तो आखिरकार ये रही BSNL की चमचमाती नई सिम। और BSNL के प्लान इंडिया के अंदर सबसे सस्ते हैं, लेकिन जितने सस्ते इसके प्लान है उतनी ही बेकार इसकी नेटवर्क की क्वालिटी है। और दोस्तों, अगर आप BSNL की सिम में अपने मेन नंबर को पोर्ट करवाने की सोच रहे हो या फिर BSNL की सिम को खरीदने की सोच रहे हो, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल में से एक होने वाली है। क्योंकि BSNL की सिम का आप खरीद तो लोगे, लेकिन नेटवर्क आपको मिलने वाले नहीं है। अब पूरी बात क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि मैं लगभग इसको एक डेढ़ हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे BSNL का पूरी तरीके से एक्सपीरियंस मिल गया है कि आखिर ये सिम है कैसी और क्यों BSNL ने अपने प्लान को इतना सस्ता कर रखा है। तो देखो भाई, अपन सबको पता है कि VI, Airtel और Jio ने अपने प्लान को बढ़ा दिया है और उसी वजह से लोग BSNL की सिम को बाय कर रहे हैं। इससे पहले BSNL की सिम के एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या? इस दुनिया में BSNL की सिम नहीं थी क्या? नहीं, BSNL की सिम तो थी, लेकिन लोग खरीदते नहीं थे। और क्यों नहीं खरीदते थे? क्योंकि BSNL का जो ओवरऑल सर्विस है वो बहुत ज्यादा बेकार है। और दूसरी तरफ अब जब यहाँ पे जियो ने एयरटेल ने अपने चार्जेस को बढ़ा दिया है और आप सोच रहे हो कि हम BSNL पे स्विच कर जाएंगे, तो सर्विस तो इसकी वैसी की वैसी है, सर्विस में तो कोई सुधार नहीं है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखिए BSNL की सिम को यहाँ पे खरीद लेते हो तो आपको ना कॉलिंग तक तो ठीक है, लेकिन इंटरनेट आप इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। अब मेरे केस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए BSNL की सिम है तो अच्छी, इसके जो प्लान है वो 100 रुपये से स्टार्ट होते हैं, 150 रुपये 200 रुपये तक में अपने को अच्छी खासी वैलिडिटी मिल जाती है। इसके अलावा 2GB पर डे और अनलिमिटेड कॉल अपने को मिलती है, लेकिन इसका नेटवर्क में ना एक प्रॉब्लम है। जब आप अपने घर के अंदर आओगे ना तो इसके नेटवर्क काम ही नहीं करेंगे। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। देखिए, जब मैं आउटडोर में BSNL की सिम को यूज़ करता हूँ तो अच्छी कॉलिंग होती है और अच्छी इंटरनेट की स्पीड मुझे मिल जाती है। लगभग 20 MBPS की स्पीड मुझे BSNL के अंदर मिल जाती थी पहले, लेकिन जैसे ही मैं अपने स्टूडियो के अंदर आता हूँ, बेडरूम में जाता हूँ या किसी भी अदर रूम में जाता हूँ, कहने का मतलब घर के अंदर जब मैं आता हूँ, इसके नेटवर्क गायब। आपको मुश्किल से 1 MB/s की स्पीड नहीं मिलेगी। स्पीड यहाँ पे KBO में चलेगी और H+ का साइन आएगा जो कि 3G का साइन है। देखो, एक आदमी सिम को क्यों लेता है? नेट यूज़ करने के लिए और कॉलिंग करने के लिए। कॉलिंग तो इसके अंदर हो जाती है, हाँ खैर कॉलिंग में भी कभी कभार प्रॉब्लम आती है, कॉल ड्रॉप होते हैं, कनेक्शन एरर आ जाता है, बट इंटरनेट का तो बहुत बुरा हाल है। इंटरनेट तो आपके सही से चल ही नहीं पाएगा। बाहर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंडोर में बिल्कुल भी आपके काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात रही कि BSNL की सिम के बारे में जो अदर क्रिएटर है वो तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, वो सारे लगभग यहाँ पे मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये जो सिटी है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप यहाँ पे गाँव से बिलोंग करते हो या छोटी सिटी में आप रहते हो, तो BSNL की सिम उस मामले में आपके किसी भी काम की नहीं है। तो अगर मैं आपको बिना घुमाए फिराए बात बताऊँ ना, तो BSNL की सिम को आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको पोर्ट करवाना है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, पोर्ट मत करवाना। नई सिम लेनी है तो आप ले सकते हो। और नई सिम लेने से पहले ना एक बात बताता हूँ, ये आपको एक लिंक दिख रही है यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में, और ये सेम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी है। जैसे ही इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन की लिंक से, तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा। अब ये वेबसाइट है क्या मैं आपको बताता हूँ। आपके एरिए में BSNL के कौन से नेटवर्क आते हैं, BSNL के नेटवर्क कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ये वेबसाइट आपको बता देगी। तो सिंपली जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे, इस टाइप का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। अब सबसे पहले अपने को यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करना है, उसके बाद BSNL को अपन सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसके अंदर जियो, एयरटेल सबके ऑप्शन अपने को मिलते हैं, बट BSNL को अपन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो पूरा आपको मैप दिख रहा है ना, इस मैप के अंदर आपको अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सिटी में आप रहते हो। मान के चलिए अगर आपने कोई भी सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, तो आपके सिटी में 2G 3G 4G के जो 5G के कितने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एक बार इस वेबसाइट को यूज़ करना, नेटवर्क की कैपेसिटी देख लेना, देन उसके बाद आप BSNL की सिम को यहाँ पे बाय करना। लेकिन कुछ भी हो, इंडोर में तो आपको प्रॉब्लम आने वाली ही है नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि BSNL की सिम को खरीदना इतना भी अच्छा एक ऑप्शन नहीं है अभी के टाइम पे। एक हवा बना हुआ है BSNL की सिम का, लेकिन सर्विस इनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि BSNL कंपनी कोई आज की तो है नहीं, ये तो जाने कितने 20-30 सालों से चल रही है। और अगर इनकी सर्विस इतनी ही अच्छी होती तो जियो कंपनी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि सबसे सस्ते प्लान ही तो BSNL के पूरे इंडिया में। तो आप इस सिम को इग्नोर करिए, आप जो सिम चला रहे हो उसको यूज़ करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपनी राय जरूर देना BSNL सिम के बारे में और उनकी सर्विस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।